चार टोल है, चार चार टोल से सतवीर पहलवान जी पहुंच चुके हैं, तीन टोल और है, उनसे भी एक का आदमी ले लो। अभिमन्यु जी एक बार टोल के नाम कागज पे लिख दो, अरे पेपर दो इन्हें। बंद कर लिया उसने। हेलो भाई, जितने भी हमारे यहाँ वॉलंटियर हैं उनको ये बता देते हैं, ये रेड कलर के टी शर्ट में है जो, ये किसान मोर्चा का आईटी सेल है जिसके 40 लोग हैं, ये बार बार आएंगे बार बार जाएंगे, इनको आई कार्ड इशू नहीं किया है, इनका ये ऑफिस इस तरफ है, इसलिए कह रहे हैं इनको बार बार आप रोकना मत कि अंदर आए या बाहर जाए या पब्लिक में जाए, तो इनका सहयोग आपने करना है। आईटी टीम भी बहुत बढ़िया ने किया। देखिए किटलाना टोल से सागवान साहब पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद है। आईटी टीम है, आईटी टीम किसान मोर्चा की आईटी टीम। विक्रम सिंह मीणा जी उनसे निवेदन है, वो भी मंच पर आ जाए। ये वॉकी टॉकी एक गेट पर दे दो, वहां पर दे दिया भाई, दे दिया। लेफ्ट हैंड के गेट के ऊपर बार बार प्रेशर बना रहे बहुत सारे लोग कार्यकर्ताओं के ऊपर, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप पीछे चले जाए, आपका नाम लिख के कागज पे दे दे, हमें हमारे पास आपकी सूची होगी तो आपको बुला लेंगे, अंदर कोई नहीं आएगा, अंदर सिर्फ आईटी सेल वाले आएंगे या मीडिया वाले आएंगे। बस ज्यादा टोन से एक आदमी आ जाए, दो टोन से आ चुके हैं, किटलाना टोन से और सतवीर पहलवान जी, पर ज्यादा टोन से एक आदमी आ जाए। चौकी नजुंडा स्वामी और इसन दोनों कर्नाटक के हैं, चौकी नजुंडा स्वामी जी और इसन उनको जो है दो लोगों को भेज दे आप गेट से, चौकी नजुंडा स्वामी जी और इसन कर्नाटक से, बाकी टाके दियो जिद्दोजहद करते हुए। अभी कर रहे हैं आपस में, सभा की कार्यवाही आरंभ होने जा रही है, ये बीच में जो खड़े हैं ये भाई या तो बैठ जाएं, और अगर इनको खड़े रहने का शौक है तो ये पीछे जाके खड़े हो जाएं। कोई भी आदमी मंच के सामने खड़ा ना हो मेरा निवेदन है, और जितने भी वॉलंटियर हैं उनसे मेरा निवेदन है जो खड़ा है उसे बाहर कर दें, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले, अगर उनके घुटने मुड़ते नहीं है तो वो बाहर चले जाए, जो खड़े हैं सामने वो बैठ जाए भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना, बैठ जाए, हम कार्रवाई आरंभ करने जा रहे हैं, जो भी ये सामने खड़े हैं ये बैठ जाए टीम में खड़े हैं ना तो बाहर हो जाए, ये व्यवस्था नहीं है, ये किसानों की पंचायत है, इसके अपना नियम होता है, व्यवस्था होती है, सुन ले मेरी बात, ये कोई भी इंटरव्यू ना दे यहाँ पे खड़ा होके, ये इंटरव्यू ना ले यहाँ पे खड़ा होके, अरे आप सुन ले भाई,
वॉलंटियर जो भी टीम है, मेरा निवेदन है जो ये टीम में इंट्रू ले रहे हैं इनको बाहर भेज दो इंट्रू लेने के लिए। सभा की व्यवस्था को बनाए, ये बैठ के सामने जो खड़े निवेदन है, आप सब लोग हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे सर माथे पे, लेकिन आप बैठ जाए। जो हाथ जोड़े की नहीं माने उस भाई को दूसरी तरीके से पीछे भेज दो, जो बदतमीजी पे उतर रहा है उसको ले जाओ, चार आदमी निवेदन करके वहां पीछे खड़ा कर दो। व्यवस्था हो रही है मंच पर चढ़ने के लिए, दोहा जो जहाज हो रही है। बलबीर सिंह है मढ़ान खाप के, वो ऊपर आ जाए। बलबीर सिंह जी मढ़ान खाप से, मेघा पाटेकर जी खड़ी है उनको आने दें। मेघा पाटेकर जी हैं, इनको रोको, इनको रोको, जो आदमी रोको इनको। भाई महेंद्र शरौली जी आए हैं, वो अपने शब्द रखे, एक मिनट का टाइम है, एक मिनट से ज्यादा किसी का टाइम नहीं है, या लंबी तहरीर ना करें। महेंद्र शरौली आए और अपनी बात रखें। सब माने आज की सभा के सभापति जी, सभी पंचासी मेरे बुजुर्ग और साथियों की जय कर दी। सभा शुरू हो चुकी है, सभा शुरू हो चुकी है। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। आज की पंचायत शायद विश्व की सबसे बड़ी पंचायत होगी, आज तुम्हारा नाम विश्व में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखे, इसी में आपका सबसे बड़ी, आपकी सबसे बड़ी भलाई है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। रोहतास सिंह जी है जाटो आपके प्रधान, उनसे भी निवेदन है कि उनको मंच पे आ जाए। अगले वक्ता के रूप में बलराम लंबरदार जी हैं, वो आए और अपना संबोधित करें सभा को। बलराम लंबरदार जी, परम आदरणीय सभापति, मैं सभी पूरे देश से हर घर से हर संयुक्त के किसान बंधु माताएं बहने आज मुजफ्फरनगर की महापंचायत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। जो जिस तरीके से बड़ा शक्ति है और हम सबसे बड़ा सम्मान उन्हें देंगे जो इस जिले के आसपास के जनपद के लोगों ने जो खाना की व्यवस्था और लोगों को ठहरने की व्यवस्था की, उसके लिए मुजफ्फरनगर के लोग, मेरठ के लोग, सहारनपुर के लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। डीपी सिंह जी हमारे किसान सभा से हैं, वो आए और अपना संबोधन दें। डीपी सिंह जी, डीपी सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है और आज भी 90 वर्ष लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। डीपी सिंह जी 9 महीने से टोल पे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और बहादुर किसान मजदूर भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो इस इतिहास बनाती हुई किसान संघर्षों के इतिहास बनाती हुई इस रैली में आपकी भागीदारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये रैली एक और इतिहास बना रही है जहां पेट के और जिंदगी के सवाल, रोजी रोटी और खेत के सवाल को बचाने की लड़ाई शुरू हो गई है। वही मुजफ्फरनगर से याद करिए, 2013 में मुजफ्फरनगर से ही वो ताकतें देश की गद्दी पर पहुंची थी जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दे रही थी, वो पूर्ण बहुमत के साथ पहुंची थी ध्रुवन चरण के बाद। आज ये रैली एक इतिहास बना रही है। इस धार्मिक धर्म के नाम